देखें तो सूर्य, बुध, बृहस्पति, शनि, चंद्रमा और केतु ये सब धनु राशि के अंदर है, मंगल वृश्चिक राशि में है और शुक्र मकर राशि के अंदर है, राहु मिथुन राशि में और चंद्रमा मकर राशि के अंदर है। ग्रह योग की बात करें तो भद्रा रात्रि में 1:05 से है। त्योहार या प्रमुख दिनों की बात करें तो 3 दिन का शरद उत्सव माउंट आबू में प्रारंभ हो रहा है। श्रेष्ठ चौगड़िया जिनमें आप अच्छे कार्य करना चाहते हैं वो चर लाभ अमृता चौगड़िया 8:36 से 12:29 तक रहेगा। शुभका चौगड़िया 1:46 से 3:03 तक रहेगा। और राहु काल वेला जिसमें शुभ कार्यों को करना कुछ लोग वर्जित मानते हैं वो 4:30 से 6 तक है। राहु काल वेला में शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करते कुछ लोग। यदि कार्य को टाला नहीं जा सकता हो, करना जरूरी हो तो मिष्ठान का सेवन करके कार्य प्रारंभ करें, इससे राहु काल का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। कुछ लोग दिशाशूल को बहुत मानते हैं, दिशाशूल आज पश्चिम में रहेगा, दिशाशूल इसलिए आज पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए जो लोग मानते हैं उसे। और अगर पश्चिम दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो और टाला जाना संभव ना हो तो यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व जल से भरे कलश का शगुन लेकर के आप यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज धनु राशि में सूर्य और गुरु के साथ पंचग्रही योग बना रहा है। धनु राशि में जब बृहस्पति और सूर्य साथ हों, पांच ग्रह साथ हों और साथ ही साथ स्वराशिष्ठ सूर्य के साथ बृहस्पति हो तो इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये हैं कि बृहस्पति अपनी पूरी आभा के अंदर है, अपने स्वराशि के अंदर बृहस्पति का होने का अर्थ यह है कि अगर आप ज्ञान के लिए समर्पित हैं, आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप कोई ऐसी स्थिति के अंदर है जहाँ पर आप अपने गुरुजनों के साथ, परिवार के बड़ों के साथ हैं या कुछ कोचिंग लेना चाहते हैं आप अगर कोई खेल के अंदर हैं जहाँ पर आपके कोच आपके साथ हैं और सीखने की आपकी कोई इच्छा है तो अद्भुत समय है ये। आप हर वो चीज़ बहुत कम प्रयत्न और बहुत ही अधिक स्थिति के अंदर आप सीख पाएंगे अपने गुरुजन से, गुरुजन भी सिखाने के लिए तत्पर होंगे। तो अगर कोई ऐसी स्थिति है जहाँ पर गुरु शिष्य का मेल हो रहा है तो आप मान लीजिए ये प्रकृति के अंदर बहुत ही शानदार स्थिति है। अगर आप बृहस्पति का पूरा अगर आनंद लेना चाहते हैं, बृहस्पति की रश्मियों का और पूरा प्रभाव देखना चाहते हैं तो अपने गुरुजनों के सानिध्य में ये समय गुजार के देखिए, सीखने को कुछ चीज़ तत्पर होइए, आप कितनी जल्दी सीख पाएंगे ये बहुत ही आनंददायी स्थिति आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ शनि केतु भी उपस्थित है। शनि केतु अगर इसके साथ में होते हैं तो इसके मायने ये हैं कि अगर आप नेगेटिव हुए, यानी कि ये ऊर्जा केवल अच्छे लोगों को या अच्छाई में प्राप्त नहीं हो रही है, ये दोनों तरफ है। यानी नेगेटिव अगर आपके मन में कोई विचार आ गया, नकारात्मक विचार आ गया तो उसको भी उतनी ही ऊर्जा मौजूद है और वो भी आप देखेंगे कि कुछ लोग जो नकारात्मकता से या शोर शराबा या जो भी आप कह लें प्रकृति के अंदर जो भी उत्साह उमंग है उस सबको आप देखेंगे कि वो भी होता हुआ सब आपको दिखाई देगा। तो ये सारी स्थितियाँ आज के दिन के अंदर मौजूद हैं। रवि योग सूर्योदय से लेकर के शाम को 5:36 तक है। इसके मायने ये हैं कि सूर्य की ऊर्जा भी इसमें शामिल है, यानी उन सब चीज़ों को बहुत ही ऊर्जावान दिन और रात दोनों रहने वाले हैं। ये एक ऐसी स्थिति आज के दिन के अंदर रहेगी, इसका जैसा उपयोग करेंगे वैसा फल आपको प्राप्त होगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ भाग्यम में।